नमस्कार, हम इस वक्त मौजूद हैं 10 नंबर मार्केट के पास और हमारे साथ प्रियंका देववाणी है, जिन्होंने एक जिम्मा लेके रखा हुआ है। इस समय छोटे कपड़े पहनने वालों के ऊपर वो प्रदर्शन कर रही हैं कि यहाँ तक भोपाल में भी अब लोग छोटे कपड़े लड़कियाँ जो पहन रही हैं उस पर वो अपना कुछ एक मुहिम चला रहे हैं। उनसे बात करेंगे कि क्या मुद्दा है उनका, क्या चीज़ें हैं। प्रियंका बताइए, क्या मुद्दा है आपका ये? पहनावे पर मेरा ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि ऐसे पहनावा ना हो कि जिससे बच्चे बिगड़ें, और जैसे उर्फी जावेद पहनते हैं, बाकी एक्ट्रेस पहनते हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी पहनो ही मत कि आप वायरल हो जाओगे। तो ये सोच बदलनी होगी, कानून आने चाहिए इसके लिए, और सिर्फ पहनावे के लिए नहीं। हम सीरियल्स में देखते हैं, भाभी जी घर पर फेमस सीरियल है, तो उसमें दिखाया जाता है कि कमिश्नर साहब जो हैं और हप्पू सिंह जो है, तो वो कोठे पे जाते हैं गुलफाम कली के पास। तो ये भी बहुत गलत है, क्योंकि हमें हमारे पुलिस प्रशासन पर गर्व है और ये सब चीज़ें हो रही है, तो इस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे सीरियल्स क्यों आते हैं? शायद सेंसर। प्रियंका, ये जहन में कैसे बात आई कि मुझे ये मुद्दा लेके आना चाहिए, अकेले हो? ये बात मेरे जहन में इसलिए आई क्योंकि मुझे लगा कि ये होना चाहिए बदलाव, ये बहुत गलत चीज़ें हैं। मैंने दो तीन बार बहुत सारी चीज़ें देखी जो देखने लायक नहीं थी, तो फिर मुझे लगा कि अरे ये तो हमारे भारत में क्या, मतलब क्या मैसेज जा रहा है। हम विश्व गुरु भारत की बात करते हैं, तो हमारे भारत की छवि विश्व भर में ख़राब हो रही है और बच्चे उससे बिगड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, बच्चे बिगड़ रहे हैं। अच्छा, तो ये जो माहौल टीवी इंडस्ट्रीज में और बाकी जगहों चल रहा है उसको लेके आपकी मुहिम है, ये ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए? हाँ, सभी समाज होना चाहिए कि इंस्पिरेशनल चीज़ें जैसे सोशल मीडिया पर भी गाइडलाइन जारी होना चाहिए। मैंने भारत सरकार से अपील की है कि ना आप सोशल मीडिया पे जो गलत चीज़ें आ रही हैं, तो ये सब गाइडलाइन एक जारी हो जाएगी ना, तो बहुत सारे चीज़ें ये सब हट जाएंगे। और वायरल करने की बात है तो हम अपने भारत की संस्कृति, सभ्यता, हमारा इतिहास वगैरह भी हम वायरल कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। अब मुझे ही देख लो ना, मैं बदलाव लाना चाहती थी तो मुझे कितने लोगों ने वायरल कर दिया, मीडिया ने इतना साथ दिया। तो मैं एक ये भी मैसेज दे रही हूँ कि आप अच्छे काम करके भी वायरल हो सकते हो, गलत करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी मुहिम है प्रियंका की। इनका कहना है कि अच्छे काम यानी संस्कृति को बढ़ावा देके भी वायरल होया जा सकता है, जैसे कि आजकल लोग वायरल होने के लिए दूसरी कई ट्रिक निकाल रहे हैं, उनमें संस्कृति को बढ़ावा देके भी वायरल हो जा सकता है। और दूसरी मुहिम आपकी क्या है? ये भोपाल को हम भोजपाल बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि भोपाल का कोई इतिहास नहीं है, हमारे भोपाल का प्राचीन नाम भोजपाल ही था, तो भोजपाल ही वापस होना चाहिए। इससे पूरा भारत की नज़र फिर से भोपाल में होगी कि भोजपाल क्यों हुआ और इसका क्या इतिहास है, तो पूरा भारत जान सकेगा। अभी तक किसी राजनेता ने या किसी ऐसे बड़े लीडर ने आपसे बात की इस मुद्दे पर, या कोई ऐसी मुलाकात या बातचीत कुछ हुई अभी? मुझे राजनीति से तो बहुत सारे लोग बुला रहे हैं बातचीत करने के लिए, लेकिन मैं खुद नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरा पॉलिटिकल कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच ये क्वेश्चन करने के लिए। मेरा पॉलिटिकल कुछ भी ऐसा नहीं है, तो मैं इसलिए राजनीति से दूर रहकर ही अपने साथ करना चाहती हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच प्रियंका। प्रियंका ने ये जिम्मा लेके रखा है और एक आम जन की जो जिम्मेदारी होनी चाहिए वो निभाना चाह रही है। न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक त्रिपाठी, भोपाल।